আপনারা দেখছেন সংকল্প নিউজ এক ও দ্বিতীয়। दिल्ली के शाहीनबाग से लेकर कन्याकुमारी, आसाम और गुजरात में एनआरसी के विरोध में प्रोटेस्ट कर रहे हैं लोग। सारी दुनिया जानती है शाहीनबाग के आंदोलन के बारे में। बंगाल में भी आंदोलन दिखाई दे रही है। कोलकाता के पार्क सर्कस के आंदोलन के साथ साथ अब इकबालपुर में भी आंदोलन दिखाई दे रही है। नॉर्थ से लेकर साउथ, चारों दिशा में एक ही नज़ारा है। हजारों आम जनता मिलकर आंदोलन कर रही है। इस आंदोलन में इकबालपुर के नवाब अली पार्क में पिछले एक महीने से धरना दे रही हैं हिंदुस्तान की बहनें। सबकी एक ही मांग है, जब तक ये तय नहीं हो जाता कि सरकार एनआरसी हटाएंगे, तब तक ये आंदोलन चलती रहेगी। की बात है, आज आप देखिए शाहीन बाग में 700 सिख भाई कल वहां मौजूद हुए। उससे पहले वाले दिन जब 50 दिन हुआ था, उन्होंने कहा था ये कैंप हम लोग उखाड़ फेंकेंगे, तो पूरा किसान जो है हिंदुस्तान का वहाँ जमा हो गया। आपको समझ नहीं आ रही है कि इनका साथ, मुसलमान की कोई लड़ाई नहीं, हिंदुस्तान की लड़ाई है। हमें अपना संविधान बचाना है, हमें भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान को बचाना है, गांधी जी का बताया हुआ वसूलों पर चलना है, और हम सबका साथ सबका विकास जो वो कहते हैं ना, हम दिखाएंगे उनको सबका साथ और सबका विकास और सबका साथ कैसा होता है, कैसा रहे। अब बहुत ही तरीके से चला रहे हैं ताकि सरकार, ये जो झूठी सरकार है, हमारी बात सुन सके, हमारे मुद्दों को सुन सके, और जो हमारा हक है हिंदुस्तानी नागरिक होने का, बस वो हक हमें दे दे। कि अब ये औरतें बाहर निकल आ गई है, बस ये अब क्या होगा ये वो नहीं जानते खुद। बस धरना में हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, यही देख रहे हैं ना, वो उसके आगे क्या होगा वो खुद समझ नहीं पा रहे हैं। महंगाई का मुद्दा पड़ा हुआ है और ना जाने तमाम कितने मुद्दे पड़े हुए हैं, लेकिन हर मुद्दे से भटकाने के लिए ये एक NRC और CAA और काला कानून लेके आए। जबकि ये ऐसा नहीं है कि सिटीजनशिप बिल हमारे हिंदुस्तान के कानून में नहीं है, ये तो ऑलरेडी पहले से हमारे संविधान में है। CA का जो प्रावधान है हमारे कानून में है, इससे पहले दिया भी गया है, लेकिन उसमें अमेंडमेंट करने का मकसद यही है कि पोलराइजेशन करना, एक आवाज़ देना कि हाँ हम हिंदुओं के फेवर में हैं, मुसलमानों के खिलाफ में है। वरना संविधान की मंदिर में खड़ा होकर कोई इतना बड़ा शक वहाँ पर अमित शाह बोल दे कि सारे मजहब के लोगों को देंगे, हिंदू को नहीं देंगे, मुसलमान को नहीं देंगे, तो वो अगर नहीं देना चाहते तो नहीं देते, कौन जानता था। लेकिन ये एक मैसेज देना, एक आवाज़ देना, ताकि हिंदू मुसलमान में टकराव हो और हिंदुस्तान का एक ऐसा फजा बने जहाँ पे एक लड़ाई का वातावरण हो और ये सारा मुद्दा दबा का दबा रह जाए। वरना ये काला कानून तो सबकी नज़र में है, और आज हर मजहब के लोग, हर फिरका के लोग, कोई ऐसा मजहब के लोग नहीं है जो रोड पे नहीं है। आज शाहीन बाग में अगर वहाँ पर डॉक्यूमेंट ना, तो ये डॉक्यूमेंट शो करिए, तभी आपको नेशनलिटी, जो आपको सिटीजनशिप आपको देने का काम किया जाएगा। तो ये जो क्रोनोलॉजी हमें समझाए ना, हम सब समझदार हैं, क्योंकि मोदी जी हमने आपको कुर्सी में बैठाया था, आपने हमें नहीं बनाया, हमने आपको बनाया है, जनता की पावर ने बनाया, हिंदुस्तान ने आपको बनाया। आप हिंदुस्तान को अगर कुछ कहना चाहोगे, हिंदुस्तान वो चीज़ पहले सोच लेता है, तो हमें मत समझाने की कोशिश करो। इसके बाद हमारा ये रहेगा NRC CA के हम लोग जब जीत हासिल करेंगे, तो हम लोग देश को एक अच्छी सरकार और अच्छी दिशा देने की कोशिश में लगेंगे। जो जो मुद्दा है, बेरोजगारी का, पढ़ाई का, शिक्षा का, स्वास्थ्य का, आज हमारा फंडामेंटल राइट छीन लिया जा रहा है, हम उसके ऊपर आंदोलन करेंगे। हमारे कॉलेज स्कूलों के बच्चों को जो मार मार के उन्हें डराया जा रहा है, पुलिस, दिल्ली पुलिस के, यूपी पुलिस के अत्याचार जो कर रहे हैं, हम उसके लिए भी आंदोलन करेंगे। और अपने वतन को, जैसा हमारा वतन, जैसा हमारा गुलदस्ता पहले अच्छा खूबसूरत दिखता था, हम ये कोशिश करेंगे और पूरी तरह से कोशिश करेंगे कि अपने वतन को फिर तरह उसी तरह अच्छा, गांधी का हिंदुस्तान, सावरकर का हिंदुस्तान नहीं चाहिए हमें, हमें गांधी का हिंदुस्तान चाहिए, हमें गोरवरकर का हिंदुस्तान नहीं चाहिए, हमें मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद का हिंदुस्तान चाहिए। तो हम ऐसे हिंदुस्तान को, जिन्होंने सपना देखा था भगत सिंह ने फांसी लेने के टाइम में कि मेरा हिंदुस्तान ऐसा होगा, हम लोग फिर से उसी हिंदुस्तान को बनाने की कोशिश करेंगे। और BJP और RSS जो आइडियोलॉजी अपने देश में थोपना चाह रहा है, इन सारी आइडियोलॉजी को उखाड़ के फेंक देंगे हम लोग। हकीकत है ना, ये तो ये पानी की क्या मजा, अभी जल्द में पानी नहीं चलेगा। अरे हम लोग तो वहां से आते हैं जिन लोगों ने हमें प्यास की शिद्दत सिखाई है। समझ कैमरामैन रहमान के साथ साइबा इलियास की रिपोर्टिंग, संकल्प।